दोस्तों, आज हम एक ऐसे शहर की बात करेंगे जो लगभग 400 साल पुराना है। यह वही स्थान है जिसे त्योहारों का शहर भी कहा जाता है और यहाँ के सुगंधित चावल की तो बात ही निराली है। जी हाँ, यहाँ का दूबराज नामक चावल बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ की हाथों से बनी हुई रंगीन नरम कोसा रेशम की साड़ियाँ तो पूरे भारत में ही प्रसिद्ध हैं। जी हाँ दोस्तों, यह वही जगह है जिसे भारत का विद्युत उत्पादन केंद्र भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ की बहुत सी चीजें प्रसिद्ध हैं, जैसे कि राइस रोल, चीला, गुलगुला भजिया, अंगाकोर रोटी, टमाटर चटनी जिसको यहाँ पर टमाटर फटका भी कहते हैं, और बहुत से तरीकों की स्वादिष्ट चीजें यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। और दोस्तों, यहाँ का अनोखा इतिहास सुनकर तो आप चौंक ही जाओगे। तो यारों, वीडियो का थंबनेल टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के एक सुंदर शहर बिलासपुर के बारे में। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहना। मेरा नाम है लक्ष्य शर्मा और ये है आपका प्यारा सा चैनल नॉलेज डेस्टिनेशन। बिलासपुर भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित एक सुंदर शहर है। दोस्तों, यह शहर अरपा नदी के तट पर स्थित है और इसे उत्तर पूर्वी छत्तीसगढ़ क्षेत्र का व्यवसायिक और व्यापारिक केंद्र भी कहा जाता है। और तो और, यह भारतीय रेलवे के लिए भी एक महत्वपूर्ण शहर है, क्योंकि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय यहीं पर स्थित है, जो कि इस शहर का महत्व दर्शाता है। दोस्तों, बिलासपुर उन 100 भारतीय शहरों में शामिल है जो कि स्मार्ट सिटी मिशन तहत स्मार्ट सिटी में विकसित किए जाएंगे। और तो और, छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय यहीं पर स्थित है, यानी कि बिलासपुर में स्थित है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया, बिलासपुर लगभग 400 वर्ष पुराना है और कहानियों का यह भी मानना है कि इस शहर का नाम बिलासा नामक महिला के नाम पर रखा गया था और ये बिलासा नामक महिला एक मछुआरिन थी। यारों, इस समय बिलासपुर में 5 तहसीलें, 4 ब्लॉक और 708 गांव हैं। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे और खोलते हैं इस शहर के इतिहास के पन्नों को और बताते हैं आपको कुछ रोचक बातें। यारों, इतिहास की माने तो बिलासपुर पर रतनपुर के कलचुरी वंश का नियंत्रण था, यानी कि कलचुरी वंश बिलासपुर पर राज करता था। हालांकि यह शहर 1741 के आसपास मराठा साम्राज्य के शासन में प्रमुखता में आया, जब एक मराठा अधिकारी ने वहां अपना निवास ग्रहण किया। और बाद में करीब 1818 में जब मराठा योद्धा भोसले का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ, तो भोसले वो युद्ध हार गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि बिलासपुर जिले का प्रबंधन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथों में ही ले लिया। और दोस्तों, इन चीजों के बाद फाइनली 1861 में बिलासपुर जिले का गठन किया गया और फिर 1867 में बिलासपुर नगर पालिका का गठन किया गया। दोस्तों, यह शहर अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जैसी अनूठी विशेषताओं के कारण भारत में बहुत प्रसिद्ध है, जैसे कि यहाँ की अपनी नृत्य शैली, संगीत शैली और पारंपरिक लोकगीत। और यह शहर भारत के सभी प्रमुख त्योहारों को भी मनाता है एवं यहाँ का एक स्थानीय त्योहार भी है जिसका नाम रंगीन राउत नृत्य है, जो कि यहाँ काफी प्रसिद्ध है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं बिलासपुर जिले को धान का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ धान काफी ज्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं और यहाँ का प्रमुख धान शरबती धान है। यारो, बिलासपुर उत्तर में घने जंगलों और पूर्व में हसदेव घाटी की कोयला खदानों से घिरा हुआ है और बिलासपुर जिले के उत्तर में कुरिया जिला, पश्चिम में मुंगेली जिला, दक्षिण में बलौदाबाजार जिला, पूर्व में कोरबा जिला स्थित है। और दोस्तों, बिलासपुर जिला 3,508 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, जो कि बहुत बड़ी जगह होती है। तो दोस्तों, हम नजर डालते हैं यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर। जैसे कि अगर बात करें यहाँ की 2011 की जनगणना के अनुसार, तो यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 4,52,891 थी, जिसमें पुरुष 91% और महिलाएं 49% हैं। यार, यहाँ का औसत साक्षरता दर यानी कि एवरेज लिटरेसी रेट 91.29% है, जो कि दर्शाता है कि यहाँ के ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, जो कि काफी अच्छी बात भी है। और अगर बात करें इस पूरे जिले की जनसंख्या की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 26,62,177 थी। और दोस्तों, यहाँ का लिंगानुपात हर 1000 पुरुषों पर 972 महिलाओं का है और यहाँ की मुख्य बोले जाने वाली भाषा छत्तीसगढ़ी एवं हिंदी है, जो कि ज्यादातर लोग बोलते हैं। तो चलिए साथियों, अब बात करते हैं यहाँ के परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, जो कि किसी भी शहर की महत्वपूर्ण चीजों में शामिल है। यार, यहाँ के ट्रांसपोर्ट में रेलवेज, एयरवेज और रोडवेज आते हैं। तो अगर बात करें यहाँ के रेलवे स्टेशन के बारे में, तो बिलासपुर रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ का सबसे व्यस्त जंक्शन है और सेंट्रल इंडिया का दूसरा सबसे व्यस्त जंक्शन है। यार, यह रेलवे स्टेशन बहुत खूबसूरत है
क्योंकि सूरत और राजकोट के बाद यह भारत का तीसरा सबसे स्वस्थ रेलवे स्टेशन है और यह रेलवे स्टेशन देश के बाकी हिस्सों से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना था कि बिलासपुर में एयरवेज यानी कि हवाई यात्रा भी उपलब्ध है, क्योंकि मार्च 2021 को बिलासपुर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था। यहाँ 5000 फुट लंबा रनवे और एक टर्मिनल भवन है और यहाँ से जबलपुर, भोपाल, दिल्ली और प्रयागराज के लिए सीधी उड़ानें भी उपस्थित हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। तो यारो अब आते हैं रोड पर, अब उस तरीके से नहीं रोड पर, मेरा मतलब रोडवेज से था। दोस्तों यह शहर नेशनल हाईवे नेटवर्क के माध्यम से मुंबई और कोलकाता से जुड़ा हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है। दोस्तों बिलासपुर में विभिन्न प्रकार के पुरातात्विक स्थल और ऐतिहासिक मंदिर हैं, जो दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं बिलासपुर की सैर करने और घुमाते हैं आपको बिलासपुर की कुछ प्रमुख जगहों पर। नंबर एक पर आती है अचानकमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंबर दो पे आती है काना पेंडारी जू पार्क, नंबर तीन पे आती है रामा मैग्नेटो मॉल, और भी दोस्तों यहाँ कई सारी जगहें हैं जैसे कि कुटाघाट डैम, बबल आइसलैंड, महामय देवी मंदिर, सिटी मॉल, देवरानी जेठानी मंदिर, मडकू द्वीप, जिन्नेश्वरी मंदिर, स्मृति वन, शिला मंदिर, वॉन्डरलैंड, और भी दोस्तों ऐसी कई सारी प्रसिद्ध जगहें यहाँ स्थित हैं। तो यार अगर आप कभी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जाते हो तो इन जगहों पर ज़रूर घूमिएगा और मेरा मानना है आपका पैसा वसूल होगा। और दोस्तों मेरी बस आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके करीबी लोगों को भी अपने शहर के बारे में पता चल सके। और वीडियो को लाइक भी करें और उसके बाद कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आगे आती रहेंगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।